नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर आतंकवादियों को बढ़ावा देने में, हथियार की तस्करी में किनका हाथ था। तो सीबीआई ने एक बड़े गन रैकेट का खुलासा कर दिया है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर समेत देश के कई शहरों में आईएस अधिकारियों के घर पर छापे मारे हैं और इस छापेमारी में बहुत बड़ा रैकेट सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैकेट में, गन के रैकेट में आईएएस अधिकारी, एक दर्जन से ज़्यादा आईएएस अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनको घर ऊपर सीबीआई ने छापेमारी की है। तो ये पहला मौका है जब सीबीआई ने एक साथ एक दर्जन आईएएस अधिकारियों के घर पर गन रैकेट के सिलसिले में छापेमारी की है और बड़े स्तर पर गन रैकेट में आईएएस अधिकारियों के शामिल होने का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में गन रैकेट का खुलासा करने के बाद जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में आज छापेमारी की है और सीबीआई ने इस मामले में कुपवाड़ा के डीसी रहे आईएएस अधिकारी राजीव रंजन, फिर आईएएस यशा मुदगिल, तत्कालीन डीएम बारामूला, उधमपुर डीएम कुपवाड़ा रही इशरत हुसैन, डीएम किश्तवाड़ रहे सलेम मोहम्मद, तत्कालीन डीएम किश्तवाड़ और शोपिया मोहम्मद जावेद खान, तत्कालीन डीएम रजौरी और कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके घरों पर एक साथ छापेमारी की है। और छापेमारी में आईएएस अधिकारियों के घरों से 40 लाख रुपए बरामद हुआ है और कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिससे प्रमाणित होता है कि आईएएस अधिकारी जम्मू कश्मीर में चल रहे गन रैकेट में शामिल थे। और अब सीबीआई का कहना है कि इसमें कई राजनेताओं के भी शामिल होने की संभावना है, जिसकी पड़ताल अभी की जा रही है। तो आईएएस अधिकारी तो सीबीआई के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन अब नेताओं की बारी है। तो सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खास बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में सीबीआई की यह पहली बड़ी कार्रवाई है और इस पहली बड़ी कार्रवाई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में स्थानीय नेताओं की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। खबर के अनुसार सीबीआई ने इस पूरे घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की जांच करने की योजना बनाई है। तो जम्मू कश्मीर के कई और बड़े अधिकारी गन रैकेट में फंस सकते हैं। चंडीगढ़ स्थित सीबीआई दफ्तर ने रणवीर पिनल कोड आर्म्स एक्ट भ्रष्टाचार निरोधक विशेष धाराओं के तहत आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी साल नवंबर महीने में इस घोटाले का पर्दाफाश किया गया था। केस के अनुसार वर्ष 2012 से 2016 तक जम्मू कश्मीर के डोडा, रामबन, उधमपुर जिले से 1,43,000 लाइसेंस जारी किए गए। पूरे राज्य से 4,29,000 के करीब लाइसेंस जारी हुए। गुड़गांव से आईएएस अधिकारी के घर छापे के दौरान सीबीआई के हाथ 40 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। मामला अन्य राज्यों तक फैले होने की संभावना है और राज्य गृह विभाग ने भी केस को सीबीआई के हवाले करने की सिफारिश की थी और उसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी और आज पहली छापेमारी हुई है। सीबीआई की पहली बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ी सफलता सीबीआई को हाथ लगी है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है जहाँ सीबीआई ने कश्मीर गन रैकेट में एक दर्जन से ज़्यादा आईएएस अधिकारियों के घरों पर छापा मारा है। आपको ये खबर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि जो नौकरशाह गन रैकेट में शामिल हैं उनका चेहरा सामने आए, लोग उनके सलियत को समझें और सावधान रहें। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए सिटी पोस्ट आपको धन्यवाद करता है। यही सहयोग समर्थन आगे भी बनाए रखेंगे।